नमस्कार। आज हम एक नए मुद्दे पर और नए अतिथि के साथ अर्थ प्रकाश समूह में लेकर आए हैं एक नया मेहमान। मेरी मुराद है वरुण चौधरी। वरुण चौधरी जो मुलाना से विधायक हैं, और इनका परिचय वैसे इनके पिता के नाम से देना तो बनता है कि बहुत ही दिग्गज नेता हरियाणा के फूलचंद मौलाना, जो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं और बीस सूत्री कार्यक्रम कमेटी जो थी उसके अध्यक्ष बड़े लंबे अरसे तक रहे हैं। और लेकिन इसके साथ ही ये बात भी कहनी पड़ेगी कि वरुण जी, इन्होंने अपने, ठीक है पिता की विरासत कहने के लिए लोग कह दें, लेकिन इन्होंने अपने बलबूते पर पिता के साथ ही और पिता के साथ साथ युवाओं को जोड़ा है पहले, और अपने बलबूते पर इन्होंने जो है राजनीति की जो उसको आगे बढ़ाया है और उसमें शुचिता लाने का प्रयास किया है। और मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूं, आपसे पहले मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं वरुण जी। तो पहला प्रश्न, हम आप यंग हैं और ये जो हरियाणा की विधानसभा है 14वीं विधानसभा, इसमें युवाओं का काफ़ी जो प्रतिनिधित्व काफ़ी ज़्यादा है, लगभग मेरे ख्याल 50% के लगभग है या इससे ऊपर ही होगा शायद, तो उस उनमें आप भी आते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं और क्या आपकी अपेक्षाएं हैं, क्या आकांक्षाएं हैं इस राजनीति में, जिस तरह के बुराइयां, जिस तरह के अब आप देख ही रहे हैं, कोई कोर्ट में है, कोई ऑडियो टेप बन रही है, कोई कुछ हो रहा है, कोई दल बदल हो रहे हैं, ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए आप राजनीति में क्या सुधार लाने के लिए क्या उद्देश्य लेकर आ पाए? जैसे कि आपने कहा 14वीं विधानसभा है हरियाणा की, 50% जो सदस्य हैं वो पहली बार बने हैं, ये बात है, और इसमें कोई दोराय नहीं कि युवाओं की भी बहुत अच्छी तादाद है। और मैं समझता हूँ क्योंकि आप विधानसभा की जो कार्रवाइयाँ हैं वो मुझसे कहीं पहले से जो आप जो हैं उनको देखते आए हैं, तो आप खुद देखते होंगे कि ये जो 14वीं विधानसभा है इसके अंदर जो कार्रवाई है वो अलग है, कि कोशिश रहती है जी कि जो मुद्दे हैं, जो हरियाणा को लेकर समस्याएं हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उठाने का प्रयास रहता है जी, और आगे भी रहेगा, जिससे कि जो हमारा प्रदेश है वो खूब आगे बढ़े, तरक्की करे जी। क्योंकि विधानसभा की बात हो रही है, इसके साथ ही हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि मानसून का सत्र जो है वो दस्तक दे रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना संक्रमण के कारण ये बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है कि सदन में जगह का, बैठने का, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी है, तो उस इन बातों को लेकर क्या आपका कोई ऐसा सुझाव, और क्या ये जल्दी होना चाहिए, तो क्या इसके लिए आप कहना चाहेंगे? देखिए, सेशन तो बुलाना ही चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बुलाना चाहिए, और वैसे भी संवैधानिक रूप से भी 6 महीने के अंदर अंदर आपको सेशन बुलाना ही होता है, तो अब तो वही समय पूरा हो जाएगा। नहीं तो मेरा तो सुझाव था ही कि भी जल्द से जल्द, क्योंकि ये कोरोना जैसा जब ये महामारी आई है जी, तो ये एक ऐसी चीज़ आ गई जिससे कि सारा सिस्टम जो है हमारा अपसेट हो रखा है, तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी था कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए और उसमें इसके ऊपर चर्चा की जाए। लेकिन वो बैठेंगे कैसे स्पेशल सेशन में? सवाल तो ये है कि देखिए, ये पहली बात हो चुकी है कि जितनी भी हमारी दर्शक दीर्घाएँ हैं जी, तो उनके अंदर जो है वो जगह बनाई जाएगी। वह तो दुख की बात है कि हमें अपनी विधानसभा में ही 40% जो हमारा हिस्सा है वो ही नहीं मिला हुआ जी, तो वो होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे जो स्पीकर महोदय हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, और मैंने अपनी ओर से भी और सबकी ओर से कहा है कि भी इस मामले में हम आपके साथ हैं, कि जो अगर हमारा 40% हिस्सा बनता है विधान भवन के अंदर तो वो हमारे को मिलना चाहिए। ये आपने बात की है कि दर्शक दीर्घा की जिक्र किया है, हल्का फुल्का सवाल है, प्रेस के लिए तो दीर्घा छोड़ देंगे? जी हाँ जी हाँ, वो तो बिल्कुल आपकी दीर्घा अलग है, आपका स्थान अलग है। अच्छा, तो अगला जो कोरोना की बात आपने अभी जिक्र किया, हमने विधानसभा को से जुड़े हुए प्रश्न में, आप क्या मानते हैं कि भारत में और भारत के साथ साथ हरियाणा में कोरोना को लेकर, इसके पैकेज को लेकर आप क्या समझते हैं कि देश में जो 20 लाख करोड़ की बात है
उसको लेकर आपके क्या विचार है, और उसके साथ साथ ही हरियाणा में आप क्या परफॉर्मेंस देखते हैं कोरोना को लेकर, सरकार की परफॉर्मेंस? देखिए, सरकार तो फेल हुई है, मैं ये मानता हूँ। अगर हम 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात करें जी, तो क्या मिला उसमें? किसान को कुछ मिला हो, छोटे व्यापारी को कुछ मिला हो, कर्मचारी को कुछ मिला हो, गरीब को कुछ मिला हो, किसी को भी कुछ नहीं मिला। हाँ, अगर मिला है तो जो प्रवासी मजदूर थे उनको डंडे जरूर मिले, ये हुआ है। अनाज देने की बात हुई है कि घर नवंबर तक बढ़ा दिया गया है कि लोगों को दाल मिलेगी, आटा मिलेगा, अपनी इच्छा से। जी, किसी प्रदेश के गांव में जाके देखिए, मेरे मुलाना विधानसभा क्षेत्र में किसी भी गांव को आप चुन लीजिए, उसमें जाके देखिए कितनों को अनाज मिला जी, कितने जरूरतमंद थे और मिला किसको है जी। उस लिस्ट में कुछ साथी तो ऐसे हैं जो पूरे गांव को अनाज दे सकते थे, उनका नाम भी उसके अंदर है, और जो कहीं जरूरतमंद थे वो छोड़ भी दिए गए। अच्छा, ठीक है। वो बहुत ही दुखद हुआ। इसके बारे में तो हमने SDM को भी कहा, DC साहब को भी कहा कि क्या कर रहे हैं, इसके बारे में ध्यान दो, जो जरूरतमंद है चाहे उसके पास कार्ड पीला है या नहीं है, सबको अनाज मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा वरुण जी, आपने अभी किसानों का भी जिक्र किया कि किसानों को भी कुछ नहीं मिला, तो उसमें मेरे ध्यान में आया है कि आप एक मुद्दा वैसे आप उठाते भी रहे, मैंने सुना है एक दो बार आपको, कि ट्यूबवेल कनेक्शन जो देने के लिए, नलकूप का जो कनेक्शन देना होता है, उसमें लगभग मेरा ख्याल है जहाँ तक 80,000 के जो एप्लीकेंट, 80,000 के एप्लीकेंट रहे होंगे, और उसमें से 10,000 के करीब तो ऐसे हैं जिन्होंने पैसे भी जो हैं, जो 5 स्टार का जो इन्होंने फाइव स्टार का मोटर लगानी थी, वो भी इन्होंने आपके से वायदा किया था किसानों के साथ, तो वो क्या विवाद है, और क्या वो सप्लाई होने लगा कि नहीं होने लगा 5 स्टार का मोटर? सरकार ने लगभग 82,000 कनेक्शन किसानों के लगभग 2 साल से रोक रखे हैं जी, कि हम आपको 5 स्टार मोटर प्रोवाइड करेंगे जिससे कि बिजली बचेगी। ओके। ये मामला विधानसभा में भी उठा था, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि टेंडर हो चुका है जी, और गुजरात की एक कंपनी को मिला है, और वो हमें 5 स्टार मोटरें देंगी, और फिर हम किसानों को जल्द ही ओके कनेक्शन और मोटर दे देंगे जी जी। लेकिन दुख की बात ये है कि ना तो आज तक वो मोटर आई जी, 2 साल से इंतजार किया करवाया जा रहा है कि 5 स्टार मिलेंगी जिससे कि बिजली बचेगी। तो मेरा सवाल ये था कि पहले सरकार तो बताए कि जो सरकारी नलकूप, जो ट्यूबवेल है जिससे हर घर को पानी पहुंच रहा है, उनमें कितनों में 5 स्टार मोटरें डली हैं? तो वरुण जी, वो तो बात लग गया कि पिछली टेक्नोलॉजी कुछ थी, स्टार लगने लग गए, तो मैं एक मिनट, मेरा ये आगे मेरा प्रश्न ये है कि एक ये भी चर्चा है कि अब ये कह दिया कि 5 स्टार की जगह 3 स्टार लगा लो, कोई ऐसी बात भी तो है ना? जी हाँ, लेकिन आप बताइए ना, आप कहते हैं कि जी हमें बिजली बचानी, पैसे उन्होंने 5 स्टार के लिए जमा करवा रखे हैं, कि आप कहते हैं कि बिजली बचानी है जी, तो पहले आप तो बताइए, सरकार तो बताए कि वह कितनी गंभीर है बिजली बचाने को लेकर। बहुत सारे बिजली के उपकरण जो हैं वो स्टार रेटिंग के साथ आते हैं जी, चाहे वो जैसे मोटर की बात हो रही है, AC है, फ्रिज है, बहुत सारी घर भी रेनोवेट हुए होंगे, बहुत सारे सरकारी दफ्तर भी रेनोवेट हुए होंगे, मंत्रियों की कोठियां भी रेनोवेट हुई होंगी, बताया जाए कि कितने 5 सितारा उपकरण खरीदे गए पिछले 2 साल में। और ऐसे ही मैं ट्यूबवेल की बात कर रहा हूँ, जो सरकारी ट्यूबवेल हैं, पिछलों को छोड़ दीजिए, पिछले 2 साल की बता दीजिए, जिस समय के आपने ये 82,000 कनेक्शन पेंडिंग कर रखे हैं, उन्हीं 2 साल का ब्यौरा दे दीजिए कि आपने कितनी 5 सितारा मोटरें डाली हैं अपने ट्यूबवेल में। किसान का ट्यूबवेल तो 365 दिन में से 65 दिन ही चलेगा, वो पानी तो आपको रोज सप्लाई हो रहा है, और वो तो लगभग 1,000 फुट से सप्लाई होता है जी, उसमें मोटर भी बड़ी लगती है, उसमें खर्चा भी बिजली का ज्यादा होता है, कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं बिजली को बचाने के लिए? सारा का सारा जो बोझ है बिजली बचाने का किसानों के ऊपर ही डाल दिया गया, और 2 साल से एक तरफ तो आप कहते हैं जी हम 2022 में किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और दूसरी तरफ आप उनको बिजली का कनेक्शन तक नहीं देते। वरुण जी, अब किसानों की बात के साथ साथ ही
आप युवा हैं और युवा शक्ति की जो नब्ज है उसको बेहतर पहचानते होंगे। जो आज रोजगार के अवसर हैं वो समस्या, खैर ये फिनोमेना वर्ल्ड वाइड है, वैसे कोरोना की वजह से और ज़्यादा है। इसमें किसी सरकार को मैं सीधे तौर पे दोषी शायद ना मानूं, लेकिन आप बताएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी के साथ जुड़ा हो दूसरी बात कि हरियाणा सरकार ने कदम उठाया है बड़े तामझाम से, बड़ा उसका प्रचार भी हुआ है, स्वागत भी कर रही है भारतीय जनता पार्टी के, 75% जो रोजगार प्राइवेट जो अदारे हैं उनमें 75% जो रोजगार है वो हरियाणा के युवाओं को दिया जाएगा। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, रोजगार मिले हरियाणा को, युवाओं को मिले, युवतियों को मिले, इस जैसी तो कोई बात नहीं जी। हम सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं जी। लेकिन वो कैसे होगा? और जहाँ तक बात इस रिजर्वेशन की है 75%, तो उसमें तो हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी साफ कह चुके हैं भी ये तो हमारे समय में ही हो गया था, पहली बात। दूसरी बात ये, आप ही बताइए कि पिछले अब 5.5-6 साल होने को आए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में, कितने बड़ी नए उद्योग हरियाणा में आए हैं। बड़े देशों में जाया गया था सरकार के द्वारा और की जी बहुत सारे MOU साइन किए गए थे। हम तो कहते हैं कि श्वेत पत्र जारी किया जाए कि जितने MOU साइन किए थे उनके कितनी इंडस्ट्रियां लगी हैं हरियाणा में, बताओ तो सही। जो लगी हुई हैं वो छोड़ छोड़ के जा रही हैं, इस तरह का माहौल आज प्रदेश में बन गया। आपने अभी कहा कि हुड्डा साहब ने कहा है कि जो हमारे टमिया आरक्षण की जो मैं बात कर रहा हूँ जी, आप इसका श्रेय जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता को आपने दिया अभी कह रहे हैं। इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ सवाल है कि PTI टीचर्स, ये पता नहीं क्या दुर्भाग्य है हमारे मुलाजमों के साथ कि कभी गेस्ट टीचर होते हैं, कभी चौटाला के टाइम में जो JBT टीचर, जो भी मतलब भर्ती कोई होती है तो आने वाली जो सरकार है तो उसमें पिछली सरकार की वो गड़बड़ियों का सारा भंडा जो फोड़ होता है वो होता है मुलाजमों पर, जो युवा होते हैं जिनका भविष्य धूमिल होकर रह जाता है। गेस्ट टीचर ने भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल में कितना बड़ा लड़ाई लड़ी, उसके बाद उनको फिर चलो तो किसी तरह से एडजस्टमेंट किया गया। अब ये हुड्डा सरकार के ही जो PTI टीचर की भी बात है तो इनको भी जो है, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो, क्यों नहीं सरकारें जब इनको भर्ती करती है तो पूरे जो कानूनी जो तौर तरीके हैं उनके प्रोविजन हैं, प्रावधान हैं, उनको सुर पूरा करके क्यों नहीं इस तरह से ये है फुल प्रूफ काम करती है सरकार। देखिए, पहली बार हुआ है कि इतनी तो साइकिलों के टायरों से हवा नहीं लीक हुई है जितने पिछले 5 सालों में पेपर लीक हुए हैं हरियाणा में जी। जितने पेपर लीक इसमें हुए हैं इतने पूरे जब हरियाणा 1966 में बना तब से अब तक नहीं हुए लीक। ओके, कितनी भर्तियां कैंसिल हुई हैं इन 5 सालों में वो भी आप देख लें जी। कि कोई ना कोई हमेशा कमी छोड़ी जाती है। और जहां तक PTI की बात है भी, हम तो साफ कह रहे हैं कि सरकार इनको दोबारा लगाए। कैसे लगाए? गवर्नमेंट का जो ना अदालत का फैसला है तो उसको कैसे पलटेगी सरकार? देखिए, अदालत का फैसला, हमारे गेस्ट टीचर्स भी लगे, और जहां तक बात है JBT टीचर्स की भी आपने बात रखी, तो चौटाला साहब जेल में हैं उसी केस में, लेकिन वो जो हैं टीचर्स वो आज भी ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये क्यों नहीं दे सकते जी? तो और जैसे मैंने कहा कि जो गेस्ट टीचर्स थे उसके उनके भी खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया था, लेकिन वो आज भी कार्य कर रहे हैं, तो ये भी करें, क्यों नहीं? सरकार को इनका साथ देना एक, चाहिए। एक सुझाव उन्होंने खुद ही दिया है टीचर्स ने, जो PTI टीचर जी, के जैसे गेस्ट टीचर का जो है फॉर्मूला उसी गेस्ट टीचर के हिसाब से इनको। बिल्कुल बिल्कुल, और हम सब जो हैं PTI टीचर्स के साथ खड़े हैं जी। हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द बहाल हों और उनको वापस कार्य दिया जाए। ओके, एक वरुण जी, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर करने की बात करते हैं, और अब चीन के साथ जो टकराव चला है पिछले दिनों में, उसके बाद उन्होंने आत्मनिर्भरता का मुद्दा भी बड़े जोर शोर से उठाया है, तो इसके बारे में आपका क्या, एक युवा नेता के नाते आपका हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट को लेते हुए और खास कर और देश के जो आत्मनिर्भरता का जो केंद्र या प्रधानमंत्री जी का जो घोषणा है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
देखिए बड़ी अच्छी बात है, आत्मनिर्भर होना चाहिए, लेकिन क्या मैं आपके माध्यम से जान सकता हूँ कि ये जो इतनी विदेशों में जा जा के वो घूमे गए कि जी हम वहाँ से जो है बिजनेस लेके आएंगे, वहाँ से हम इंडस्ट्री यहाँ पे भारत देश में लगवाएंगे, जी तो वो उस समय किस लिए गए थे? जी और वो अलग बात है कि इंडस्ट्री तो फिर भी नहीं आई, रोजगार तो हमारे युवाओं को फिर भी नहीं मिल पाया। और जहाँ तक आत्मनिर्भरता की बात है, तो मैं तो आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कब आत्मनिर्भर बनेगी? 6 साल हो गए हैं सरकार को बने, आज भी अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए हमेशा कांग्रेस का नाम लेते रहते हैं। कब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे? कब आत्मनिर्भर बनेंगे? मेरा ये जानना है आपके माध्यम से कि बीजेपी बताए कि वो कब आत्मनिर्भर बनेगी। इससे पहले कि मैं अंतिम क्षणों की ओर जाऊं, अंतिम सवाल की ओर जाऊं, एक सवाल आपकी पार्टी से संबंधित है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात ही कही जाएगी कि कांग्रेस पार्टी जो इतने साल पुरानी, बहुत साल पुरानी पार्टी है, 130-135 साल से भी ज़्यादा हो गया है समय, उसमें जो यंग टर्क जिसको बोलते हैं, युवा तुर्क कह लीजिए, राहुल जी पिछले 5-7-10 साल से जब प्रयास कर रहे थे कि युवा लोग लाए जाएं, लेकिन जो पिछला ये डेवलपमेंट्स बताती हैं कि जो भी बंदे आए उनमें से 90% जो हैं, या तो वो कहते हैं कि उनको निष्क्रिय कर दिया गया, और पंजाब में भी प्रताप सिंह बाजवा हो चाहे, या ये अपना नवजोत सिंह सिद्धू हो, या अभी जो सचिन पायलट का केस में उसको उसी संदर्भ में ये बात मैं कर रहा हूँ, तो इस बारे में आपका क्या राय है कि क्या हाईकमांड नाम की कोई चीज़ है, क्या उसकी कोई पकड़ है, या राहुल गांधी का अब इस बारे में क्या कहना क्या है, कि उनको बचा के रखेंगे नहीं रखेंगे सचिन पायलट को, या और दूसरे भी जो दो चार रह गए हैं? नहीं, दो चार नहीं है, हम बहुत हैं। और जहाँ तक बात है, एक आप प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, सचिन पायलट जी खुद डिप्टी सीएम थे राजस्थान के, कोई छोटी पदवी नहीं है, वो 42 साल की उम्र में। मुख्य प्रश्न जो है युवा लोगों को लेकर है, पर्टिकुलरली सचिन से नहीं संबंधित है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो 42 साल की उम्र में डिप्टी सीएम वो थे, ठीक है पार्टी के प्रधान थे, जी ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं है। जी जी और ऐसे ही आपने अभी गुजरात में देखा कि हाँ वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया, क्या उम्र है जी। और हर जगह युवाओं को पूरा स्थान है। पहली पार्टी थी कांग्रेस जिसने युवाओं को आगे लाने के लिए चुनाव करवाए यूथ कांग्रेस के, जी और कोई पार्टी जो है यूथ का चुनाव नहीं कराती, जी कांग्रेस ही थी जिसने एक प्लेटफॉर्म दिया कि अगर किसी की राजनीतिक घराने से कोई है या नहीं है, कि नए चेहरे आगे आए, तो इस तरह का प्लेटफॉर्म तो किसी और पार्टी ने दिया भी नहीं लेकिन था। ऐसा लगता है कि वो शायद ये जो प्रयास था, ये अटेम्प्ट थी या एक्सपेरिमेंट था, ये कोई ऐसा उनको जचा नहीं, सफल नहीं लगा उनको, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब बहुत देर हो चुकी है, ये जो संगठनात्मक चुनाव यूथ की जो आप बात कर रहे हैं, ये काफ़ी देर से अब मेरे ख्याल सक्रियता नहीं है वो। नहीं, इनका जो है 3 से 4 साल का जो है टेन्योर होता है, तो वो अभी पूरा होना है, चल रहा है, सब कार्य करते हैं। आप अखबार में देखिए, हमारा जो यूथ विंग है वो पूरा एक्टिव है, पूरा जोश में है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या और बात आप देखिए कि पंजाब में भी जो हमारे नेशनल लेवल पे यूथ के प्रेसिडेंट थे वो एमएलए हैं, जी। तो उनको टिकट भी दिया गया, हरियाणा में भी दिया गया। कितने यूथ के साथियों को, खास तौर पे जो यूथ कांग्रेस से थे। जी और आप ही देख लीजिए कि हमारी इस 14वीं विधानसभा में 2 यूथ के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं जो आज एमएलए हैं, जी अमित सिहाग जी भी हैं और चिरंजीव राव जी भी हैं, जी दोनों ही यूथ कांग्रेस के प्रधान थे प्रदेश के, और आज दोनों ही विधायक हैं। जी मैं वो अंतिम प्रश्न मैं बाद में करूंगा, एक प्रश्न में और मेरे जहन में आ रहा है कि हरियाणा सरकार ने पीछे एक निर्देश जारी किए, एक फैसला लिया कि एक तो पानी का जल स्तर जो है वो कम हो रहा है, उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किए, मेरा ख्याल है 19 ब्लॉक शायद कुछ समथिंग लाइक दैट, कि जीरी जो है वो वहाँ पे ना रोपी जाए, उसकी जगह पे मक्का या कोई दूसरी जो उसकी अल्टरनेट जो विकल्प होते हैं फसलों का, ऐसा उनको बुआई का जो है वो प्रोत्साहन भी उसके लिए देने की उन्होंने बात की थी।
इसके बारे में आपको क्या लगता है कि इससे कितना फायदा होगा इन चीजों से? जैसे बिजली बचाने का सारा बोझ किसानों पे डाल दिया गया, उसी प्रकार से पानी बचाने के लिए भी सारा बोझ किसानों पे डाल दिया। जैसे कि सारा पानी किसान ही पी रहे थे, सारी बिजली प्रदेश की किसान ही पी रहे थे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना जी, एक बात। दूसरा ये कि कहते जी जीरी ना लगाओ मक्की लगाओ, भाई जिन्होंने आज मक्की लगा रही थी रखी थी वो आज जब मंडी में बेचने जा रहे हैं तो उसका कोई MSP नहीं है जी, उसको खरीदा नहीं जा रहा। कोई 800 रुपए क्विंटल, कोई 900 रुपए क्विंटल मजबूरी में बेच रहा है जी। वो कहते जी इससे तो मिट्टी की ट्राली भी महंगी है जी, और हम मक्की जो है इस रेट में बेच रहे हैं। ओके, तो कहां आमदन दुगनी होएगी? आमदन तो आध पे जा रही है जी। डीजल का रेट इतना बढ़ गया, उसकी वजह से इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। उस हिसाब से जो है फसलों की कीमतें तो बढ़ाई नहीं आपने जी। और जब आप इस तरह से धक्का करते हैं कि आप जीरी नहीं लगाएंगे तो और आमदन घटेगी, क्योंकि जीरी गन्ना एक ऐसी फसल है जिससे कि किसान को ठीक ठाक इकट्ठे पैसे मिल जाते जी। हैं जी। तो आज अगर वो भी नहीं मिलेंगे, अब सरकार बताए ना कि पानी बचाने के लिए उन्होंने और कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं? कुछ भी नहीं। आपने कौन कौन से ऐसी जो है बीज तैयार कराए हैं अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जो कम पानी से हों? कुछ तो बताएं आप कि क्या कदम उठाए गए। कितनी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत सारा पानी इस्तेमाल करती हैं, जो कि इन्हीं डार्क जोन में हैं, जिसमें ये 19 ब्लॉक्स जो हैं चिन्हित किए गए हैं, उनके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत बहुत पानी का इस्तेमाल करती हैं जी। उनके लिए क्या बनाया आपने जी? क्या सोच है आपकी? जैसे मैंने कहा ना, अभी सारा बोझ किसान पे डाल दिया जाता है, ये गलत है। भी आप भी तो बताइए भी आप क्या कर रहे हैं, सरकार कर क्या रही है? राइट, तो अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। आप मौलाना क्षेत्र से हैं और चार कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं अम्बाला के साथ जुड़ी हुई हैं। नारायणगढ़ से भी आपके कांग्रेस की नेता रंजन रामकिशन गुर्जर जी की धर्मपत्नी शैली चौधरी जी हैं वहाँ से, और दो सीटें जो हैं असीम जी हैं और अम्बाला सिटी से, और वीर साहब हैं अम्बाला कैंट से हैं। आपकी जो आपसे पहले संतोष सारवन 5 साल यहाँ रही है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से रही हैं, वो भले ही पहले आपकी पार्टी के साथ रही थी, उनके रहते हुए आप क्या आकलन करते हैं विकास कार्यों का मौलाना में, और आप आने वाले समय में क्या अपेक्षाएं रखते हैं या आपकी क्या सोच है कि यहाँ क्या क्या कुछ होना चाहिए, क्या कमियाँ बाकी? देखिए, जो विकास है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो चलते रहना चाहिए जी। उसकी गति और बढ़नी चाहिए जी। ठीक है, लेकिन आज क्या है, आप देखिए अब कोरोना का बहाना मिल चुका है, तो सरकार ने हर गांव के जितने भी विकास कार्य चल रहे थे उनको भी रोक दिया गया है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। भाई एक तरफ तो सरकार कहती थी जी हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, हरियाणा बहुत आगे निकल चुका है, और 15 दिन में ही जो है वो सारी हवा निकल गई, 15 दिन में ही जो है सारे पैसे खत्म हो गए, लोन लेना पड़ रहा है, तो कैसे तरक्की होगी, कैसे आगे बढ़ेगी? इसको हम जनरलाइज ना करें, हम सीमित रहते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। आपके वहाँ पे आपकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या आप सोचते हैं कौन से विकास करें? अभी आप रुके हुए हैं कोरोना की वजह से जैसे आप बता रहे हो, या आने वाले समय में आप कोई इंस्टीट्यूशन, कोई मेडिकल कॉलेज, या क्या आपकी कुछ ना कुछ तो आपकी प्राथमिकताएं होंगी वहाँ? खुद मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनाउंस किया गया था कि गर्ल्स कॉलेज बनाया जाएगा जी, लेकिन आज तक उसकी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ एक मार्कंडेय ऋषि, आपने रिमाइंड करवाया था? जी हाँ जी हाँ। और हमारे यहाँ एक ओवरब्रिज है वो पेंडिंग पड़ा जी, उसका मैंने पिछले सदन में भी सवाल उठाया था ओवरब्रिज कि वो कब तक पूरा होगा, कहाँ पे होना था वो? ये मार्कंडेय नदी पे ही ओवरब्रिज बनना है। ठीक है जी, तो वो अभी तक उसका काम ही नहीं शुरू हुआ जी। जी, गर्ल्स कॉलेज की मैंने बात करी, और खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि जी हम जो है जनता की सुविधा के लिए गांव-गांव में एक सचिवालय बनाएंगे कि वहां पटवारी बैठेंगे, वहां उनके कार्य होंगे। तो वो खुद ही बता दें भी अभी कितने गांव में हो गया है पूरे प्रदेश में जी। कहीं भी नहीं।
और गरीब आदमी को सहारा लगाने की बजाय कहते जी अब हम केंद्र सरकार से पैसे ले रहे हैं कि हम वो मीटर लाएंगे जिसमें पहले पैसे डालेंगे आप और फिर वो चलेगा। भाई आज तक तो कभी 2 महीने का उधार चलता था बिजली के बिल में, कहीं 1 महीने का उधार चलता था, और अब कोरोना काल में आप डीजल भी आसमान पे लेके जा रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं जी हमने पैसे भी ले लिए केंद्र सरकार से और ऐसे मीटर लगाएंगे जिसमें आप प्रीपेड, जिसमें पहले पैसे डालेंगे और फिर बिजली मिलेगी, कि हम सहारा लगा रहे हैं या उनको निचोड़ रहे हैं और जनता को, कि उनका खर्चा बढ़ाने का काम हुआ है इस कोरोना काल में, घटाने का नहीं हुआ। जी 20 लाख का पैकेज हो, कहीं 15 लाख का पैकेज हो, 20 लाख करोड़ में किसी को मिला? किसी को भी नहीं। दुख की बात है। तो मेरा ख्याल है हम यहाँ पे अपनी बात को विराम दें। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी शुक्रिया। आप यहाँ आए। तो इसके साथ ही हम वरुण जी से जो बातचीत हुई है उनकी, जो आपने सुना क्या प्राथमिकताएं हैं आने वाले समय में मुलाना क्षेत्र के लिए, और इसके साथ ही एक बात और कि भले ही फूलचंद मौलाना इनके पिताश्री, उसके साथ इनका नाम स्वाभाविक है जुड़ना, और ये भी लोग कह सकते हैं कि इनको राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन जैसे इनका व्यक्तित्व है, जैसे वहाँ चर्चा सुनी जाती है, इनका नम्र स्वभाव, इनकी आत्मीयता, साफ गोई और साफ छवि, इसका भी प्रमुख कारण रहा है कि वहाँ की जनता ने इनको निर्वाचित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।